हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की पाठ योजना है 19। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है। यहां पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आज की हमारी जो कक्षा है 8 है, पाठ योजना की, वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उपविषय है इतिहास, कालांश है चतुर्थ, अवधि है 40 मिनट की और दिनांक आपको उस दिन का डेट यहाँ पे लिखना होगा जिस दिन आप पाठ योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। उसके बाद हमारा आज का प्रकरण देखते हैं। हमारा आज का प्रकरण है राजा राम मोहन राय। उसके बाद चलते हैं अपने सामान्य उद्देश्य की तरफ। सामान्य उद्देश्य दिखाने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में अपने सभी वीडियोज में बताता हूँ कि सामान्य उद्देश्य में कौन सी पॉइंट लिखी जाती हैं। यहाँ पे विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होगा उससे संबंधित यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे जाते हैं। इसमें आप सामान्य उद्देश्य में मिनिमम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य का यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक नागरिकता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति जागरूकता पैदा करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में ऐतिहासिक मूल्यों का विकास करना। पांचवा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये था सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद हम चलते हैं अपने विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। विशिष्ट उद्देश्य आपको मैं दिखाता हूँ। विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण जो होता है यानी कि टॉपिक, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होगा, उनको किन किन चीजों की जानकारी होगी, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट लिखने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आप मिनिमम 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम इसमें भी आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट है छात्र राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय को जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ब्रह्म समाज तथा महिला शिक्षा के प्रसार से संबंधित तथ्यों एवं घटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र राजा राम मोहन राय के कार्यों के बारे में जान सकेंगे। चौथा पॉइंट है छात्र भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को जान सकेंगे और पांचवा पॉइंट है छात्र भारत के समाज सुधारकों के बारे में जान सकेंगे। ये था हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपको अगर पॉइंट बढ़ाना है तो आप यहाँ पे पॉइंट अलग से ऐड भी कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम चलते हैं अपने शिक्षण सहायक सामग्री की तरफ। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको सबसे पहले लिखना है श्वेत वर्तिका यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं चौक, लपेट फलक यानी कि सैंपट, संकेतक यानी कि इंडिकेटर, चार्ट व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद हम देखते हैं अपना हेडिंग पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को भारत के समाज सुधारकों की सामान्य जानकारी है। अब पूर्व ज्ञान खत्म होने के बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना प्रश्न जो कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न जितनी अच्छी तरीके से आप निकालेंगे अपना प्रकरण उतनी अच्छी तरीके से प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाएंगे यहाँ पे और उतनी अच्छी तरीके से आपका लेसन प्लान तैयार होगा। यहाँ पे आपको प्रस्तावना सबसे ऊपर हेडिंग डालनी है, उसके बाद क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन या फिर अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन इसको लिख सकती हैं और तीसरा कॉलम है छात्राएं क्रियाएं। इसमें आपको ऐसे प्रश्न पूछने हैं कि बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं उसको अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित करके उसका उत्तर दे सकें। तो यहाँ पे देखिए बच्चों से पहला प्रश्न आप पूछेंगे नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री है, तो बच्चे बता देंगे भारत के। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयां कौन कौन सी हैं, तो बच्चे बता देंगे सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है सती प्रथा, अशिक्षा तथा बाल विवाह जैसी बुराइयों को दूर करने वाले समाज सुधारक कौन थे, तो बच्चे बताएंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद। और लास्ट में चौथा प्रश्न यहाँ पे है राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ये था हमारा प्रस्तावना प्रश्न, आप एक बार फिर से पूरा ध्यान से देख लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न एक बार मैं नजदीक से भी दिखा देता हूँ, वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं इस प्रस्तावना प्रश्न में सारे प्रश्नों को। उसके बाद हम चलते हैं अपने उद्देश्य कथन की तरफ। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम चलते हैं यहाँ इसके बाद प्रस्तुतिकरण की तरफ। प्रस्तुतिकरण में आपको देख लीजिए सबसे पहले इस तरीके से हेडिंग डालनी है प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण के लिए मैं विशेष आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि इसको आपको बीच के पेज पे बनाना है। देख लीजिए ये दोनों पेज प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पे प्रयोग में लिए गए हैं, तो इसको आप दोनों ऐसे पेज पे लिखिएगा प्रस्तुतिकरण की दोनों पेज साथ में बना सकें आप, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है तो एक पेज पे नहीं आ पाएगा, कुछ पॉइंट छूट जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण बिंदु, दूसरा पॉइंट है छात्राध्यापक कथन, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया, चौथा पॉइंट है शिक्षण विधियां, और लास्ट में है पांचवा यहाँ पे पॉइंट सैंपट कार्य। यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण बिंदु में उन पॉइंट्स को यहाँ पे अन्य बिंदुओं को लिखते हैं जिसकी जो व्याख्या है वो छात्राध्यापक अपने छात्राध्यापक कथन में देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले शिक्षण विधियों में आपको लिखना है राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। उसके बाद छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न कुछ बच्चों से पूछ लीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से पूछा गया सचिन तेंदुलकर किस देश के खिलाड़ी हैं, तो बच्चे बताएंगे छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है भारत के।
उसका दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछे बच्चों से, भारत में कौन कौन से समाज सुधारक हुए हैं, तो बच्चे बता देंगे छात्र छात्राक्रिया में आपको लिखना है राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद, दयानंद सरस्वती आदि। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछे बच्चों से, राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद शिक्षण विधियों में ये सारे जो प्रश्न तीनों पूछे हैं ये प्रश्नीकरण विधि है, तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। और श्यामपटकार पे आपको अपना प्रकरण लिखना होता है, तो सबसे पहले आप प्रकरण लिखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय, उसके बाद स्पष्टीकरण दीजिए राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को बंगाल के वर्धमान जिले में राधानगर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध जमींदार थे। छात्र छात्रा क्रिया में आप जब व्याख्या देंगे तो छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये व्याख्यान विधि थी, तो शिक्षण विधि में इसको व्याख्यान विधि लिखिए। और उसके बाद श्यामपटकार पे आपको लिखना है राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को बंगाल के बर्धवान जिले में हुआ था। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु में पॉइंट आपको लिखना है शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में सुधार। यहाँ पे चौथा प्रश्न बच्चों से पूछिए, राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा का अधिक प्रचार किया था, तो बच्चे बताएंगे छात्र छात्रा क्रिया में वो बच्चे बताएंगे आपको कि अंग्रेजी शिक्षा एवं महिला शिक्षा का। ये भी प्रश्नीकरण विधि थी, तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। उसके बाद स्पष्टीकरण लिखिए यहाँ पे शिक्षण विधियों बिंदु में। और उसके बाद छात्राध्यापक कथन में आप उसको व्याख्या दीजिए यहाँ पे, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतवासियों की रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया। साहित्य के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय की देन उल्लेखनीय है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जब आप व्याख्या देंगे तो छात्र छात्रा क्रिया में आपको फिर से छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिखना है। व्याख्यान विधि थी, तो शिक्षण विधियों में आपको व्याख्यान विधि लिखनी है। और लास्ट में श्यामपटकार पे आपको लिखना है राय यानी कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। तो ये था हमारा आज का प्रस्तुतिकरण, आपको एक बार फिर से मैं दूर से दिखा देता हूँ पूरा एक साथ, उसके बाद आपको एक बार फिर से मैं छात्राध्यापक कथन यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे सबसे ज्यादा कंटेंट छात्राध्यापक कथन में होते हैं, तो एक बार फिर से धीरे धीरे दिखा देता हूँ। वैसे आप वीडियो को रोक के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्राध्यापक कथन, देख लीजिए ये सारी चीजें जो थी वो छात्राध्यापक कथन में लिखी गई थी। इसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद हम चलते हैं अपने पुनरावृत्त के प्रश्न पे। यहाँ पे देख लीजिए पुनरावृत्त का प्रश्न, इस तरीके से हेडिंग लिखनी है आपको। यहाँ पे आप लोग काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पुनरावृत्त के प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी जो संख्या होती है लगभग वो भी समान होती है, उनकी जो कैटेगरी होती है, लेवल होता है कठिनाइयों का, वो भी समान होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है कि अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाता है ये, तो मैं बता दूं आपको पुनरावृत्त का प्रश्न जो है वो छात्राध्यापक बच्चों से पूछता है और उससे छात्राओं का जो छात्र छात्राओं का मूल्यांकन होता है, और जो मूल्यांकन प्रश्न है वो शिक्षक का मूल्यांकन यहाँ पे होता है इस प्रश्न से। यहाँ पे मैं बता दूं पुनरावृत्त का प्रश्न बच्चों से इसलिए पूछा जाता है कि उनका 40 मिनट की क्लास में इधर उधर ध्यान भटकने लगता है, तो उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, जिससे बीच बीच में जो शिक्षक है वो बच्चों से प्रश्न पूछता है जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। तो यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम आप इसमें भी 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम इसमें भी आप पुनरावृत्त के प्रश्न में भी 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, और दूसरा प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं अपने मूल्यांकन के प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन के प्रश्न में आप देख लीजिए यहाँ पे भी 2 प्रश्न पूछे गए, इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और मैक्सिमम इसमें भी आप 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका अपना मूल्यांकन करता है कि उन्होंने जो 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया बच्चों को वो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे समझ सके हैं। अगर आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका की जो पढ़ाने के तरीके हैं वो अगर अच्छा है तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो उनके प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अगर वो उनके प्रश्नों को उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया, अपने उनकी टेक्निक नहीं अच्छी है पढ़ाने की, तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो छात्र जो है वो किसी भी प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया, और दूसरा प्रश्न है भारत में कौन कौन से समाज सुधारक हुए हैं। और अंत में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आप बच्चों को बोलेंगे, यानी कि गृह कार्य को इंग्लिश में कहते हैं होमवर्क, बच्चों को बोलिए कि घर से करके लाना है आप लोगों को, मैं कुछ प्रश्न दूंगा, इसमें आप 2 से 3 प्रश्न भी दे सकते हैं और मिनिमम 1 प्रश्न भी दे सकते हैं जिस हिसाब से आपने 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया होगा। अगर आप ज्यादा कंटेंट पढ़ाए तो आप ज्यादा प्रश्न दीजिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए, अगर कम पढ़ाया तो कम प्रश्न दीजिए। यहाँ पे सिर्फ 1 ही प्रश्न है, तो देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा गया। आप बच्चों को देंगे राजा राम मोहन राय का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख के लाइए। तो बच्चों ये था गृह कार्य के साथ ही हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान ये पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करिएगा इस वीडियो को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके।
और सिर्फ इतना करिए, इस वीडियो के साथ साथ नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी जानकारी पूर्ण यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।